हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैंने एक लेक्चर और अपलोड कर दिया है सीरीज़ का, जो हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट किया था मैथ्स का, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा, जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड ग्राफ बताए थे एलजेब्रिक वाले, ठीक है। तो वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आज वाले हैं, वो क्या है बेसिकली, पीस वाइज फंक्शंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। देखिए ज़रा पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं। पीस वाइज फंक्शन बताने से पहले मैं एक बार और बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स, जो भी मैं पिछले वीडियोज में मैं जो करा चुका हूँ, ठीक है, आप उस ग्राफ पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उसको बार बार ट्रेस करिए और डोमेन, रेंज, इवन ऑड, ये सब निकालने के लिए बार बार आप देखिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इनकेस अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, चाहे डाउट है, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके आप एक बार बता बोल सकते हैं कि सर आप प्लीज़ इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको डेली कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो अभी एनडीए का जो प्रिपरेशन चल रहा है, वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, और क्वेश्चन जो होंगे उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर क्वेश्चंस का अगर सोल्यूशन भी पूछोगे, तो मैं उसमें सोल्यूशन भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पर डे कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डेली, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े रहिए, ठीक। और अगर आप नया सब्सक्राइबर हैं, नया मतलब व्यूअर हैं, तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीस वाइज फंक्शंस। तो देखिए बेटा, पीस वाइज फंक्शंस में क्या होते हैं, पीस वाइज फंक्शंस में देखिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं। पहला आता है आपका मॉडुलस फंक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या फिर इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। दूसरा आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका। तीसरा आता है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। चौथा आपका आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। पांचवा जो आता है वो कौन सा आता है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है, बस हमको लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये अभी आज तक एनडीए में तो नहीं आया है, ठीक है ना, और आएगा भी नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, मॉडुलस पढ़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पढ़ना है, और सिग्नम फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस एक एक टॉपिक पे आपको एक एक वीडियो मिलेगा, जिसमें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मॉडुलस के होंगे, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होंगे, चाहे आपके सिग्नम फंक्शन होंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को आप हमेशा लास्ट तक देखिए, ठीक है, ताकि आपका जो भी इसमें डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक। मॉडुलस क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड, ठीक। मॉड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाँ। तो देख लेते हैं मॉड, मॉड बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड ऑफ 3 इक्वल टू कितना होता है 3, और मॉड ऑफ -3 इक्वल टू भी कितना होता है 3, ठीक है ना। अच्छा, तो एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि अगर मॉड ऑफ एक्स लिखा है, उसका मतलब हमेशा क्या आएगा आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ तो क्लियर है ना, ठीक है। मॉड का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मतलब मॉड के अंदर कोई सा भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, तब एक्स कितना आ जाएगा, ±3 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे -3 रखोगे तो भी 3 आएगा, और यहाँ पे +3 रखोगे तो भी कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 के जो सोल्यूशन होंगे, क्या मिलेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू -3 मिलेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर दिया, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैं लिख दिया -5, तब इसका सोल्यूशन क्या होगा, तब इसमें एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 5। क्यों मिलेगी 5, क्योंकि मॉड का आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में क्या है, नेगेटिव है। तो अच्छा बताइए, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दोगे, ये कभी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं। पहले ही मैंने बोला था कि मॉड का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे पॉजिटिव तो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, तो निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्लियर होगी बात। मतलब एक्स वहाँ पे कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक, क्लियर है। चलिए, अच्छा,
अब बताइए यहाँ पे कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो एक्स कितना रहा था प्लस माइनस थ्री, तो मैं क्या बोलूंगा कि कुछ तो ऐसा डेफिनेशन होगा मॉड का जिसकी वजह से प्लस थ्री रखने पे भी थ्री आ रहा था और माइनस थ्री रखने पे भी थ्री आ रहा था। तो उस डेफिनेशन को जरा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि किसकी वजह से मॉड ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू भी थ्री आ रही है और प्लस थ्री की वैल्यू भी थ्री आ रही है। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स डिफाइंड होता है, मॉड ऑफ एक्स डिफाइंड होता है, ये प्लस एक्स तब होता है जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होता है, और माइनस एक्स कब होता है जब एक्स आपका जीरो से छोटा होता है। ये डेफिनेशन आपको एकदम रट डालना है, ठीक है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं अभी बताया था कि मॉड ऑफ माइनस थ्री, तो मॉड ऑफ माइनस थ्री का मतलब ये जो एक्स है ये क्या है आपका नेगेटिव हो रहा है ना, तो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला डेफिनेशन लगेगा नहीं। जब एक्स आपका जीरो से कम हो रहा है उस केस में क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे माइनस थ्री, तो कितना मिल जाएगा हमारा थ्री। अगला सुन में, और मॉड ऑफ थ्री, मॉड ऑफ थ्री में देखते हैं एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, तो प्लस ऑफ थ्री, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है मॉड की, जिसकी वजह से माइनस थ्री रखने पे भी प्लस थ्री आ रहा था और प्लस थ्री रखने पे भी थ्री आ रहा था। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो मॉड का डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब जो आप लिखेंगे हमेशा क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स के स्क्वायर के भी बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स के सारी वैल्यूज के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि अब आप कहीं पे भी अगर मैं बोलूं कि रूट ऑफ फोर की वैल्यू कितनी होगी, तो हमेशा क्या बताओगे, मॉड ऑफ टू, दैट मीन्स प्लस माइनस टू, सिर्फ आप टू नहीं बोलोगे। आगे बात समझे, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो, वो क्लास टेन तक चलता था जब रूट फोर की वैल्यू हमेशा हम लोग टू बोलते थे, बट आपको हमेशा आप क्या बोलना पड़ेगा, प्लस माइनस टू। क्लियर है? चलिए अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ ट्रेस करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, इसके सारे क्वेश्चंस को ग्राफ के थ्रू बहुत आसानी से करेंगे, ठीक। और जो भी सारे फॉर्मूले हैं मैं ग्राफ के थ्रू ही आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक। देखिएगा जरा ध्यान से, पहले इसका ग्राफ ट्रेस करना सीखिए, ग्राफ लगभग सब लोगों को याद भी होगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे मॉड क्या होता है, हमेशा आउटपुट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो एक चीज़ मैं बताया था कि किसी भी ग्राफ का, किसी भी फंक्शन का अगर आउटपुट पॉजिटिव आता है, दैट मींस उसका ग्राफ जो होगा ना हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। ये चीज़ तो क्लियर है ना, किसी भी मॉड का अगर, सॉरी किसी भी फंक्शन का अगर आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, दैट मींस उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्लियर है ना कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। चलिए तो देखते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के नीचे कुछ ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पे चलते हैं बात, क्वेश्चन में क्या, ये डेफिनेशन में क्या बोला है कि बोला ये है कि जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा हो रहा है उस केस में आपका ग्राफ कौन सा हो रहा है, यार वाई कोस एक्स लाइन हो रही है, बोला है ना। एक्स, जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा हो रहा है उस केस में वाई क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, और एक्स जब आपका जीरो से छोटा हो रहा है उस केस में वाई कितना हो रहा है, माइनस एक्स हो रहा है, ठीक है। अगली बात समझें, तो एक्स जब आपका जीरो से बड़ा हो रहा है, तो जीरो से बड़ा हो जाएगा तो राइट साइड में जाएगा ना, उस समय कौन सी लाइन होगी, यार वाई कोस एक्स लाइन, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में, ठीक। तो वो क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स, ठीक। और एक्स जब आपका जीरो से छोटा है उस केस में वाई इक्वल टू कितना होगा, माइनस एक्स, तो ये कौन सी लाइन होगी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर होगी बात, तो ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड ऑफ एक्स का, समझ में आ गई बात। तो ये आपको याद रखना कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, वी शेप में होता है, जिसका वर्टेक्स कितना होता है, 0.0। क्लियर होगी बात। चलिए अब यहाँ पे जरा इस ग्राफ को देख करके आप मुझे इसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं क्या, चलिए बताइए तो जरा डोमेन और रेंज क्या होगा। पिछली बार मैंने बताया था डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, इस डेफिनेशन को मैं तो पहले थोड़ा सा हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। चलिए यहाँ पे डोमेन बताइए, डोमेन का मतलब क्या होता था, एक्स एक्सिस पे आप कहीं पे भी चल रहे हैं तो हर जगह उसका ग्राफ मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या बोलूँगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा रेंज की बात करें, तो रेंज की बात करें तो रेंज में आप देख सकते हैं मैं क्या बोलता हूँ, वाई एक्सिस पे चलते हैं, तो वाई एक्सिस पे जरा नीचे चलिए तो जीरो से नीचे कहीं पे भी ग्राफ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जीरो पे, लेकिन ग्राफ मिल रहा है हमारा, तो रेंज में क्या बोलूँगा, 0 to infinity। समझ आ गई बात। अच्छा तीसरा चीज, ये ग्राफ किसके लॉन्ग सिमेट्रिक है, y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है। चौथा, ये ग्राफ क्या हो रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है ना, ठीक, और ना तो कहीं पे जंप कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। पांचवा, ये ग्राफ क्या होगा, जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अब यार नॉन डिफरेंशिएबल क्यों हो गया, ये तो आप तो पहले से ही बोल रहे थे कि ये फंक्शन, ये ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ अगर हमेशा कंटिन्यू, हमेशा मतलब कहीं पे भी अगर जंप नहीं करता है ना तो कहीं पे ब्रेक करता है, तो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी होता है। बट यहाँ पे यार, यहाँ पे भी तो कहीं पे जंप नहीं कर रहा ना तो कहीं पे ब्रेक कर रहा है, तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल कैसे हो गया। देखिए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी में एक चीज़ और कंडीशन होती है कि कहीं पे भी अगर कॉर्नर आ जाता है, अब कॉर्नर किसको बोलते हैं, कॉर्नर का मतलब ये होता है ना कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ मिल रहा है हमको, ठीक है ना,
कब कॉर्नर कैसे डिसाइड करेंगे। कॉर्नर का मतलब तो कोना तो हो ही जाता है, यहाँ पे तो दिख रहे हो कि आपका कॉर्नर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जीरो पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल होगा, नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि आप क्या मिल गया था हमको, कॉर्नर। अब कॉर्नर कैसे पता करते हैं, तो कॉर्नर के लिए देखिए, अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो अगर एक पॉइंट पे आप एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, दैट मीन्स उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्नर बोलेंगे। आप इधर बताइए, इस पॉइंट पे इस वाले कर्व के लिए एक टेंजेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस वाले पॉइंट पे इस कर्व के लिए एक टेंजेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अच्छा बताइए, इस पॉइंट पे एक से अधिक आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ना, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये क्या मिलेगा आपका, कॉर्नर। अगली बात सुनिए, समझ में बात, कॉर्नर कैसे डिसाइड करेंगे, तो जहां पे भी कॉर्नर होगा वहां पे क्या होगा, हमारा नॉन डिफरेंशियबल होगा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, हमेशा नॉन डिफरेंशियबल होगा, होता है कहां पे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे। तो अगर पूछ देगा डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। अगली बात सुनिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियबल है ही नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, d by dx ऑफ मॉड x एट x इक्वल्स टू जीरो कितना हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था क्या, कि फंक्शन हमारा क्या होता है, जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल होगा, मतलब जीरो पे आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। यहां तक क्लियर होगी बात, चलिए। और ये भी क्या होगा, ये देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है ये भी, तो ये भी क्या होगा आपका, नॉन पीरियोडिक होगा। क्लियर है, चलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम मॉडुलस को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें क्या है बेसिकली, और मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चलिए अब जरा देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तब एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ग्राफ से ही आपको मैं सब कुछ बता देता हूँ। ये आपका मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ए लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ए लाइन कौन सी हो जाएगी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। बोला a से कम, तो y इक्वल टू ए लाइन तो ऐसे होगी कहीं, तो y इक्वल टू ए पे क्या मिलेगा, ये आपका a मिलेगा x, यहाँ पे क्या मिलेगा x, माइनस a मिलेगा, ठीक। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, कि मॉड ऑफ x का ग्राफ कहाँ पे a से कम हो रहा है, ठीक है ना, मॉड ऑफ x का ग्राफ कहाँ पे a से कम हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ हो रहा है यार, माइनस a से a के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा है। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स ए से कम होगा, उस केस में आपका एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से प्लस ए। अगली बात सुन में, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, दैट मीन्स एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, माइनस ए से प्लस ए, ठीक। अच्छा, और मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू ए, तो उस केस में आपको पता ही क्या लग जाता है आपका, लेस देन आर इक्वल्स टू लग जाता है, ठीक है ना, ठीक। तो अब क्वेश्चन में यही पूछ दिया कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 3, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, x belongs to माइनस 3 से प्लस 3। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने सीख लिया, ठीक। अगला इसी में अब मैं बदल देता हूँ, क्या अब मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, उस केस में x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तब जरिए बताइए कहाँ पे मॉड ऑफ x का ग्राफ ए से बड़ा हो रहा है, ए से बड़ा मतलब ऊपर हो रहा है, मतलब ये जा रहा है, ठीक, ये ग्राफ जा रहा है ना, तो उस केस में एक्स की वैल्यू, तो आप एक्स एक्स पे चलोगे ना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, जीरो से, सॉरी ए से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है ना, और इधर कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, यूनियन ए से इन्फिनिटी। समझ आएगी बात, ठीक। अच्छा, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए, तब उस केस में एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, यूनियन ए से इन्फिनिटी। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है, मैं बता दिया ग्राफ के थ्रू कैसे याद रखेंगे, ठीक है। इनकेस अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं, तो आप ग्राफ ट्रेस करके निकाल सकते हैं कि कहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ए से बड़ी हो रही है, और कहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ए से छोटी हो रही है, ठीक होगी बात। चलिए अब जरा देखिए, अब इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस पर। अब देखिए, इस पर मॉड के क्वेश्चन आपको हमेशा एनडीए में दो तीन क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्या कि क्वेश्चन ये है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, तब x क्या होगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं क्या कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक बार 5 होगा, और क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5 होगा, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8,
तो यहाँ 6 कितना मिल जाएगा 4, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x = -2, तो यहाँ 6 कितना मिल जाएगा आपका -1। दो वैल्यूज मिल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में यही बोल दिया कि मॉड ऑफ 2x - 3 = -2, तब आपका x कितना मिलेगा बेटा, x क्या होगा आपका यहाँ पे 5। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा और राइट साइड वाला क्या हो रहा है, हमेशा नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर कभी होगा नहीं। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, x = 5, मतलब कोई सा भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में। अच्छा, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ 3x - 2 < 4, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप? तो अभी हमने देखा था क्या कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, तब उस केस में एक्स कहां से लाई कर रहा था, माइनस ए से प्लस ए लाई कर रहा था, कर रहा था कि नहीं? चलिए यहां पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, 3x - 2 कहां से लाई करेगा, -4 से + 4, 2 ऐड कर देते हैं तो -2 हो जाएगा, यहां पे 3x हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड भी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा -2/3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यहां पे लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू -2/3 से 2। देख सकते हैं आप कितना आसानी से आप क्वेश्चंस कर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब इस पे जो क्वेश्चंस आए थे एनडीए में उसको मैं करा दे रहा हूँ, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। क्वेश्चन क्या आया था, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5 mod x + 6 = 0। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एनडीए में पूछता है, हमेशा एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, x² + 5 mod x + 6 = 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं यार, एक पे मॉड है, एक पे तो मॉड ही है। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था, कुछ देर पहले बताया था कि एक्स स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बताता ना दोनों क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्या लिख दिया, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 mod x + 6 = 0, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका फैक्टर पहले मॉड ऑफ एक्स को टी मान लिया कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t² + 5t + 6 = 0, फैक्टर करोगे कितना मिल जाएगा, t + 2 t + 3 = 0, यहाँ पर t की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2 and -3, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा यार, -2 and - मॉड ऑफ एक्स = -3। अच्छा, तो मॉड का आउटपुट कभी नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी कोई एक्स नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कोई एक्स नहीं मिलेगा, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि नो रियल रूट, या फिर नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ क्या, कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि मॉड अगर बीच में दिया है, ठीक, अगर यहाँ पे दोनों में प्लस आ गया ना, तो सीधे आप लिख दीजिएगा क्या, इसका नो रियल रूट्स। क्लियर हुई बात, अगर दोनों में प्लस आ गया तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं इसमें, क्या लिखता हूँ जरा देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ x² - 3 times mod of x + 2 = 0 के नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, ठीक। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इसके पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ जो रियल रूट्स आएंगे वो कितना आएंगे, 2 आएंगे। बट बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है ना, जब यहाँ पे जब मॉड लगता है ना, तो इसके 4 रियल रूट्स भी आ सकते हैं। देखो कैसे, वैसे ही तरीका करिए, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, रखिए यहाँ पे, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 mod of x + 2 = 0। बेटा इसको अब मैं टी नहीं मान रहा हूँ, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, mod of x - 2 mod of x - 1 = 0। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स को कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से मॉड ऑफ एक्स को कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ 6 कितना मिल जाएगा +-2, और क्या मिल जाएगा +-1। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या, कि नंबर ऑफ रियल जो रूट्स होंगे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे बेटा इसके, 4, ठीक है ना। तो इसी ध्यान रखिएगा, अगर मैं पिछले क्वेश्चन में बताता ना, कि अगर दोनों में प्लस होता है, यहाँ पे दोनों में प्लस आ जाए, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ जो रियल रूट्स होंगे कितने हो जाएंगे, 0, वहाँ से कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, तो सीधा आप मॉड ऑफ एक्स को टी मान करके फैक्टराइज करके वहां से आप चेक कर सकते हो कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, क्वेश्चन ये था, देखिएगा जरा, क्वेश्चन ये है कि mod of x - 2 > x - 2, तो तब x का सोल्यूशन क्या होगा, मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट,
ये बताना था, ठीक है ना। तो अब जरा देखिएगा, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक। क्या कॉन्सेप्ट समझाता हूँ देखिएगा जरा। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को भी छोड़ देता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन ये करने जा रहा हूँ कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू कर लेते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स ग्राफ बनाया, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो जाएगी। बोला है कि मॉड ऑफ एक्स कहाँ पे एक्स से बड़ा हो रहा है, तो अब जरा बताइए, वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन से मॉड ऑफ एक्स ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स ग्राफ तो यही हो गया ना फिर, तो ये क्या हो रहा है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन से मॉड ऑफ एक्स ग्राफ ये बड़ा हो रहा है, उस केस में एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो लाई कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सीधे सीधे क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिख दिया। चेक करके देख लो, ये आपका सोल्यूशन हो गया, चेक करके देख लो। माइनस वन रखो, माइनस वन ग्रेटर देन, माइनस वन का मॉड कितना हो जाएगा, वन ग्रेटर देन माइनस वन, ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा क्या, कि मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स होता है, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन अगर एफ एक्स है उस केस में क्या होगा, एफ एक्स आपका क्या हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन आया था एनडीए में इस बार, ठीक है, इसी टाइप का था, उसमें बीच में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई सा भी फॉर्म है मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स, तो यहाँ पे सीधे सीधे एफ एक्स क्या लिख देंगे आप, लेस देन जीरो। अब देख सकते हैं एक्स क्या हो रहा था, यहाँ पे लेस देन जीरो हो रहा था ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स लेस देन जीरो। बस अब इस क्वेश्चन को कर दीजिए, तो आप बताइए इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा बताइए जरा। तो अब मैं, अगर मुझे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखूंगा, एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, तो यहाँ से एक्स क्या लिख दूंगा, लेस देन टू, ठीक। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से टू, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आज डिस्कस किया है, और इस पर क्वेश्चन आया था, एक तो वो वाला आया था क्वाड्रेटिक वाला, और एक इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। तो आप देख लीजिए ना, मॉड को कैसे घुमा के पूछता है वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर ग्राफ पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ग्राफ से ही क्लियर हो जाएंगी, मॉड के बहुत सारे क्वेश्चन आपके ना ग्राफ से ही क्लियर हो जाते हैं। अब एक बार बस ग्राफ ट्रेस करो ना, फिर आपका मतलब सारा कॉन्सेप्ट ही मतलब क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो इसमें जरा, अभी तक तो उन्होंने पढ़ा था मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, अब इसी में मैं क्या करता हूँ ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का ग्राफ ट्रेस करके दिखाता हूँ। देखिएगा जरा, मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ ट्रेस किए थे, अभी इसी से मैं बता दे रहा हूँ बेटा कि कैसे बाकी सब ग्राफ ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जीरो पे, मतलब इसको मैं एक्स इक्वल टू जीरो किया था, तो ये जीरो पे क्या था, इसका कॉर्नर था, कॉर्नर था ना, ये वाई इक्वल टू एक्स था, ये वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी में बात करूँ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बस कुछ मत करना, इसको जीरो के इक्वल कर दो, एक्स कितना आ जाएगा, वन। अब इसका कोने को ना वन पे खिसका दो, कोने को क्या करो, वन पे खिसका दो, तो वन पे खिसकाओगे तो कुछ ऐसे खिसकेगा नहीं, तो क्या बचेगा, ये वन कमा जीरो हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, जीरो कमा वन। अच्छा, ये लाइन क्या थी, वाई कोस टू एक्स, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, वाई कोस टू एक्स माइनस वन। ये लाइन क्या थी, इसका माइनस टाइम्स था, तो इसको बस माइनस टाइम्स कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, वाई कोस टू, इसका माइनस टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स, बस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, मैं पूछूं अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा, तो एक्स प्लस वन का मतलब एक्स कोस कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो बस इसके कॉर्नर को पकड़ के माइनस वन को की तरफ खींच दो, तो ये कितना हो गया, माइनस वन कमा जीरो, ये कितना हो जाएगा, जीरो कमा वन। कुछ भी भूलने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप देखना जरा यहाँ पे, इसमें जरा डोमेन और रेंज बताओ, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स होंगे कि नहीं, ठीक है ना। आप एक्स एक्स पे कहीं पे भी चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, हर जगह ग्राफ मिलेगा। अच्छा, रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या, तो वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है ना, हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, वन से इन्फिनिटी, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा ही बोलते हैं, मैं देखा हूँ, ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ पे, जो वाई की वैल्यू हो रही है वो कहाँ से मिल रही है बेटा, जीरो से मिल रही है ना, ग्राफ तो हमारा यहाँ से मिलना शुरू हो जा रहा है ना, देखो ना ग्राफ यहाँ से मिलना शुरू हो जा रहा है, जिसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, क्लियर होगी बात। ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा, किसी के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स कोस टू वन, एक्स कोस टू वन पे क्या बनना है, कॉर्नर बनना है ना, तो एक्स कोस टू वन पे मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अब यार एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अभी हम लोगों ने देखा था कि मॉड ऑफ एक्स का जो रेंज आया था वो कितना आया था बेटा, जीरो से इन्फिनिटी, तो वो भी आया था ना। तो याद रखिएगा कि मॉड के साथ कुछ भी एड सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है ना, उसका रेंज हमेशा क्या होता है यार, जीरो से इन्फिनिटी होता है, क्लियर होगी बात। यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया कि मॉड ऑफ एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उसका अगर रेंज की बात करता है तो हमेशा मैं क्या लिखूंगा, जीरो से इन्फिनिटी। जैसे मैं क्वेश्चन ही पूछ दिया
जैसे मैं क्वेश्चन ही पूछ दिया बेटा, देखना जरा ध्यान से, पूछेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ वाई इक्व टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इसका रेंज पूछा है। तो मैं क्या बोला हूँ, एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए इसका रेंज कितना हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी। तो रेंज इसका सीधे सीधे मैं क्या लिखूंगा, जीरो से इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ दे वाई इक्व टू मॉड ऑफ टू प्लस एक्स का रेंज कितना होगा, तो बताओ जरा एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो इसके लिए इसका रेंज कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी। समझा की बात। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं घुमा दे रहा हूँ, क्या पूछेगा, अगर एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स पूछा टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का रेंज कितना होगा, तो अच्छे बताओ ये वाला कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ब्रेक करो तो जरा, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा कि नहीं। मैं अभी बताया था कि मॉड ऑफ एक्स के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, जीरो से इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी पे इक्वलिटी नहीं लगेगा, ठीक। अब उसमें क्या हो रहा है, टू ऐड कर रहे हैं ना, तो टू जरा इसमें सब में ऐड करो, तो प्लस टू करो, तो प्लस टू करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, टू से इन्फिनिटी में टू ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू टू से इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात, अभी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है कि जीरो से, सॉरी, एक्स के साथ मॉड के अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ हो वो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है। अब जरा देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं घुमा देता हूँ थोड़ा सा, इसमें और क्वेश्चन में पूछ देता हूँ, देखो जरा क्या, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछ दूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू टू माइनस थ्री टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री का रेंज कितना होगा, इसको जरा बता दूँ। चलो तो एकदम बेसिक से तुम चलो क्या कि यहाँ पे क्या किया है, ये जो है इसका मुझे रेंज पता है माइनस इन्फिनिटी जीरो, ठीक है। अब क्या किया है, थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या मिलेगा, ये आपका जीरो से इन्फिनिटी ही मिलेगा ना। अब क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके इसमें इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ पर टू ऐड करोगे, तो टू ऐड करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टू माइनस इन्फिनिटी में टू ऐड करोगे तो भी कितना मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से टू होगा कि नहीं, ठीक। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू। क्लियर होगी बात, आपको बस बेसिक चीज़ पकड़ना है। बेसिक चीज़ क्या मतलब, हम कहीं पर भी देखेंगे कि अगर इसके फॉर्म में दिख रहा है तो हम सीधे सीधे इसका रेंज क्या लिख देंगे, जीरो से इन्फिनिटी, और बाकी क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली बात आपको पता ही होगी कि इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड करो चाहे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं बदलता है, बट एक ही केस में बदलता है जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगली बात समझ में, तो मॉड से आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी ये जो अभी हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ये मतलब ये है कि इसमें बस सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी एनडी में आ चुके हैं तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराया हूं, ठीक है। बाकी हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, असाइनमेंट से लेकर के हर चीज़ आपको मिलेगी डेली, उसके बाद से क्विजेज होंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे उसमें बहुत डीपली आपको क्वेश्चंस पूरा सॉल्व कराएंगे ताकि आपको जाके एग्जाम में ना घबराहट ना हो, पहली चीज़ तो ये है ना। मतलब ये कि आपका पेपर कितना भी टफ आ जाए आप कम से कम 60 to 70 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ जाओ ताकि एकदम आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ यार कि मुझे एनडीए, मतलब अब तो मैं एनडीए क्वालिफाई कर ही लूँगा। आगे बात समझे ना, तो प्रिपरेशन बेसिकली हम लोगों का इस लेवल तक का होता है, मतलब हम लोग का स्ट्रेटजी यही होता है। जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगी, आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बच्चे को मतलब कुछ नहीं आता है, हमको ये मान के पढ़ाना है ताकि उसका क्या होगा ना, उसका थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना वो सब दूर हो जाए, ठीक है। तो आई होप आज का कंटेंट जो भी है आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं उस क्या करें, ये इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।